Two, Casa Hartel. Once again, I welcome you on this particular channel, Bits and Bytes by Dar. So, बेटा, हमने पिछले लेक्चर को छोड़ा था इमेज फॉर्मेशन पर और आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं. So, बेटा, आपके लिए एक बताऊं. So, बेटा, इकबाल ने कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर. सो बड़ा आज हम टॉपिक होने वाला है इमेज फॉर्मेशन. सो बड़ा आज का केस होने वाला है कन्वेक्स लेंस के अंदर बेटा. सो बड़ा कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो थिक होता है मिडल पे और थिन होता है बेटा कहां पे ऑन एचेस. सो बड़ा इस लेंस की बात अगर मैं करूंगा सो बड़ा इसका मिडल पॉइंट आता है ऑप्टिकल सेंटर. सो बड़ा इसके बाद हमारा इस सरफेस का फोकस F2 बनता है, इसका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 बेटा, और ये जो दूसरी सरफेस है बेटा इसका बनेगा फोकस पहले F1. ठीक बेटा, उसके बाद बनता है हमारा C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां से यहां तक ले लो और यहां से यहां तक ले लो. सो बेटा यहां से यहां फोकल लेंथ या यहां से यहां तक फोकल लेंथ. सो बेटा आप इसको रख सकते हो F2 का भी नाम और इसको भी F2 का F1. सो बेटा आज का केस हमारा होने वाला है ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के दरमियान. सो बेटा यहां पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट लोकेशन बिटवीन C2 एंड F2, बिटवीन C2 एंड F2. सो बेटा इमेज लोकेशन की बात अगर मैं करूंगा बेटा और रूल नंबर वन कहता है इंसिडेंट रे को दोड़ाओ परवर्ट प्रिंसिपल एक्सिस. सो बेटा दिस इज कन्वर्जिंग लेंस. सो बेटा ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ये फोकस से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे बेटा. सो बेटा इसके बाद अगर मैं इस को प्रोड्यूस करूंगा ठीक बेटा, और रूल नंबर टू को मैं उठाऊंगा, रूल नंबर थ्री को मैं उठाऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू वही से रिट्रेस करेगी सेम पाथ फॉलो बेटा यहां से ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू. सो बेटा आई कैन से यहां पे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज वो इंटरसेक्ट कर रही है और ये यहां से गुजरेगी और वापस भी वहीं से आएगी बेटा. हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा कहां पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया, बिहाइंड सी वन. सो बेटा यहां पे हमारी इमेज बन गई है. मैंने रूल नंबर वन उठाया इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो बेटा फोकस से गुजरी. रूल नंबर थ्री ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू और वापस भी वहीं से आएगी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्होंने मीट किया बिहाइंड सी. सो बेटा हमारी इमेज जो बन गई वो बन गई बिहाइंड सी. सो बेटा मैं क्या लिखूंगा, इमेज लोकेशन बिहाइंड सी वन, बिहाइंड सी वन. सो बेटा अगर मैं नेचर की बात करूंगा यहां पे जो हमारी इमेज बन गई है वो उल्टी बन गई है, रिफ्लेक्टेड रेज ने रियली मीट किया है बेटा. अगर मैं कार्टेरेट सिस्टम की बात करूंगा यहां पे ये बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और बेटा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है बेटा, और बेटा ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस बेटा, और ये क्या है बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस बेटा. इस कार्टेरेट सिस्टम को मैं उठाऊंगा यहां पे रखूंगा. सो बेटा जो हमारी इमेज बन गई है आप खुद पता लगा सकते हो इमेज इस साइड से बन गई बेटा. सो बेटा ये क्या होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी बेटा. अगर मैं बात करूंगा इसकी साइज की यहां से खुद पता लगा सकते हो जो बेटा हमारे ऑब्जेक्ट है ये लेंस के नजदीक है, हमारी इमेज दूर बन गई. सो बेटा ये आएगी हमारी एनलार्ज्ड इमेज बेटा. ये हुई बात केस नंबर फोर्थ की. सो बड़ा
पहला हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, फिर हमने बैंड सी रखा, फिर हमने सी पे रखा, और अब हमने रखा सी एंड एफ के दरमियान। अब हमारा ऑब्जेक्ट की लोकेशन रहेगी बेटा कहां पे, एफ पे। सो बेटा हम देखेंगे इसकी इमेज कहां पे बनेगी। सो बेटा ये हमारा कन्वेक्स रहा, नाम है बेटा क्या, कन्वर्जिंग लेंस बेटा। ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, इस सरफेस का एफ वन बनेगा, एफ टू का नाम रखो यहां पे सी टू, और बेटा यहां पे क्या बनेगा, एफ वन बेटा। सो बेटा यहां पे सी वन बनेगा, ठीक बेटा। हमारे ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी इस वक्त एफ टू पे बेटा। सो बेटा रूल नंबर वन को उठाऊंगा मैं, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो बेटा ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ट करेगा इसको फोकस के थ्रू। रूल नंबर थ्री को मैं उठाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही, और बेटा वहीं से गुजरेगी वापस। सो बेटा आप यहां पे पता लगा सकते हो जो हमारी रेज है वो मीट नहीं कर रही है, वो फोक पैरेलल जा रही है। सो बेटा हमारी इमेज बनेगी कहां पे बेटा, इनफिनिटी पे। ऑब्जेक्टिव लोकेशन बेटा हमने रखा कहां पे बेटा, एफ टू पे। इमेज हमारी कहां पे बनेगी, हर एक लेक्चर में मैंने बोला बेटा जब हमारी इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल फॉर्म में चलती है तो बेटा हमारी हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज इनफिनिटी पे होता है बेटा, ये मीट नहीं कर रही है। जो हमारी इमेज लोकेशन होगी बड़ो बेटा एट इनफिनिटी पे होगा। और अगर मैं नेचर की बात करूंगा बेटा, ये बेटा रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैं बेटा साइज की बात करूंगा, हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बहुत करीब है लेंस के, बट हमारी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा दूर है बेटा, इसको कहेंगे हम एनलार्ज्ड इमेज बेटा। क्या बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बेटा। अब बेटा हमारा लास्ट केस इसमें बचता है। सो बेटा दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, पूरी तरह से इस पे नजर रखोगे बेटा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता बेटा, इसके बाद इस सरफेस का फोकस एफ टू बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू बनेगा, इस सरफेस का भी फोकस बनेगा एफ वन, और बेटा इसका भी बनेगा सी वन। बेटा अगर मैं ऑब्जेक्टिव रखूंगा इस वक्त ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान, मैं यहां पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट लोकेशन बेटा एट बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ टू फोकस। इमेज लोकेशन की बात अगर मैं करूंगा बेटा, सो बेटा रूल नंबर वन, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज हो जाएगा फोकस के थ्रू बेटा। और रूल नंबर थ्री की बात अगर मैं करूंगा बेटा, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू और वापस भी वही से आएगी बेटा, ठीक बेटा। अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे की बात करूंगा, ये मुझे लग रही है ये यहां से आ रही है, इसको मैं वर्चुअली प्रोड्यूस करूंगा, और ये वाली भी मुझे यहां से लग रही है। सो बेटा इन्होंने यहां पे मीट किया है बेटा, तो हमारी इमेज यहां पे बनेगी। सो बेटा अगर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट लोकेशन बिटवीन एफ टू एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज लोकेशन की बात करूंगा अगर मैं, वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस बेटा, ठीक बेटा। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा करीब है इस लेंस के, बट इमेज हमारी बहुत ज्यादा अवे है। सो बेटा नेचर की बात करूंगा अगर मैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठाऊंगा मैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एंड पॉजिटिव वाई, इसको मैं यहां पे रखूंगा। सो बेटा हमारी इमेज जो बन गई वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन गई, तो बेटा क्या होगा, वर्चुअल एंड इन्फिनिटी
एग्जैक्ट इमेज बेटा। साइज की बात अगर मैं करूंगा, अब खुद पता लगा सकते हो बेटा, यहां पे इमेज हमारी बहुत ज्यादा दूर है बट इमेज ऑब्जेक्ट हमारा नजदीक है बेटा। यहां पे साइज एनलार्जर होगा बेटा। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटा आप इस केस पे पूरी तरह से नजर रखोगे इस साल, ये पेपर में आने वाला है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा। सो बेटा ये हुई इमेज फॉर्मेशन के मुतालिक बात इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। हमने छह केसेस को देखा, छह केसेस पे एनालाइजेशन की। सो बेटा हमारा अगला जो हमारा कनकेव लेंस, और इसको बेटा डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। सो बेटा अगर हम बात करेंगे जो हमारा कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस वो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट मटीरियल होता है, बट इसका जो मिडल होता है वो थिन होता है और एजेस थिक होते हैं बेटा। ऐसे भी याद रख सकते हो कनकेव लेंस वो लेंस होता है जो बीच में, जो मिडल में पतला होता है और ऑन एजेस पे क्या होता है मोटा बेटा। सो बेटा अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे हम, इसमें ऑब्जेक्ट हम रखेंगे पहले इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बेटा कहां पे, इन्फिनिटी पे, ठीक बेटा। वही रूल्स है, सेम रूल्स है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इस रिफ्रैक्टिव रे को यहां से दौड़ा आएगा, और बेटा यहां पे अगर मैं दूसरी इंसिडेंट रे डालूंगा तो बेटा ये डाइवर्ज होके यहां से चली जाएगी। सो बेटा हमें इमेज बनानी है। रूल नंबर वन कहता है जब भी हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी तो बेटा हमारी जो रिफ्लेक्टिव रे वो फोकस से चलनी चाहिए बेटा, बट यहां पे ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। सो बेटा अगर मैं बात करूंगा ये जो हमारी रिफ्लेक्टिव रे मुझे लग रही है यहां से आ रही है बेटा, और अगर इस वाली रे की बात करूंगा मैं ये भी लग रही है मुझे ये यहां से आ रही है। सो बेटा इन्होंने इंटरसेक्ट किया F2 पे, बट हमने इनको वर्चुअली मीट करा है F2 पे। सो बेटा यहां पे वर्चुअल इलेक्ट्रिक इमेज बनेगी क्योंकि इन्होंने एक्चुअली रियली मीट नहीं किया, हमने वर्चुअली इनको यहां पे मीट कराया। सो बेटा इमेज लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा ये F2 पे बन गई, हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है बट हमारी इमेज बहुत ज्यादा नजदीक है इस लेंस के, तो हमारा नेचर क्या होगा इस इमेज का, इन्होंने रियली मीट नहीं किया, हमने इनको वर्चुअली मीट कराया, प्रोड्यूस किया इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड्स में। सो बेटा इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बेटा। सो बेटा अगर मैं साइज की बात करूंगा, पैरेलल रेज आ रही है इंसिडेंट रेज, इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है बट हमारी इमेज बहुत ज्यादा करीब है इस लेंस की, तो बेटा ये डिमिनिशड होगी। और रूल नंबर वन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक बेटा ये डाइवर्जिंग लेंस है, इन्होंने इन रेज को डाइवर्ज किया, पहला रूल इसको डाइवर्ज यहां किया और इस रे को यहां से डाइवर्ज किया, फिर हमने रिफ्लेक्टेड रे को एज्यूम किया ये यहां से आ रही है बेटा, और इस रिफ्लेक्टेड रेज को यहां पे वर्चुअली मीट कराया। सो बेटा यहां पे हमारी इमेज बन गई। ये हुई बात केस नंबर वन की, ठीक बेटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस होने वाला है, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे किसी भी जगह बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हम देखेंगे हमारी इमेज कहां पे बनेगी। ऑब्जेक्ट लोकेशन है बेटा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सो बेटा ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक बेटा ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, इस सरफेस का एफ
होगा और सी भी होगा बेटा, इस सरफेस का भी एफ होगा और बेटा क्या होगा सी। इसका नाम रखेंगे एफ वन और इसका नाम सी वन, इसका नाम एफ टू और बेटा इसका नाम सी टू। ठीक बेटा, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो बेटा मैं किसी भी जगह रख सकता हूं इस ऑब्जेक्ट को। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है फॉर एग्जाम्पल यहां पे बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। रूल नंबर वन करेंगे हम अप्लाई, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट ये डाइवर्जिंग लाइनेस है, ये क्या करेगा इन रेज को डाइवर्ज कराएगा। ठीक बेटा, और रूल नंबर थर्ड की बात करूंगा मैं, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में गुजरेगा तो बेटा ये सीधी सी वापस आएगी बेटा। ठीक बेटा, अगर मैं इस रे की बात करूंगा मैं, इस रे की बात करूंगा मैं, रिफ्लेक्टेड रे की बात करूंगा, ये मुझे लग रही है यहां से आ रही बेटा, तो बेटा इन्होंने यहां पे इंटरसेक्ट किया तो हमारी इमेज यहां पे बनेगी बेटा। ठीक बेटा, सो बेटा अगर मैं इस पे इसका नाम फोकस F2, ये यहां पे है बेटा। सो बेटा यहां पे इमेज लोकेशन की बात अगर मैं करूंगा बिटवीन F2 एंड O, बिटवीन F2 एंड O, ऑब्जेक्ट दूर है इमेज बहुत ज्यादा करीब है। सो बेटा नेचर होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेचर होगा वर्चुअली मीट कराया और रियली मीट नहीं हुए रिफ्लेक्टेड रे, हमने इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड्स में प्रोड्यूस किया। सो बेटा इन्होंने यहां पे इंटरसेक्ट किया तो हमारी इमेज यही पे बनेगी। सो बेटा नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बेटा क्या होगा। और बेटा अगर मैं साइज की बात करूंगा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बट इमेज नजदीक है, सो बेटा स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। ये बात हुई इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। सो बेटा अब हम डिफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला एंड पावर। सो बेटा स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर